नमस्ते जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक नई पहल किए हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने को लेकर के, क्योंकि आप सब हीलर्स मुझसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इस सब में आपके कुछ सवाल पैदा होते हैं कि हीलिंग करते वक्त क्या करना चाहिए, कौन से सिंबल का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन कौन से रेमेडीज़ हो सकते हैं। तो कमेंट्स पर या मैसेज पर जवाब देना उतना सहज नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने ये पहल की है। तो ये दूसरा सेशन है जहां मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे रहा हूं, और ऐसे ही हर हफ्ते मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। मेरे साथ हमारी बहुत ही अच्छी टीम मेंबर मानसी जी बैठी हुई हैं। दिखने में छोटी सी प्यारी सी है लेकिन बहुत समझदार है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉट अबाउट हीलिंग साइंस, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, ये बहुत अच्छे से जानती हैं और ये मेरा हेल्प करती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने ही लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो दिए हुए क्वेश्चन हैं वो ये रीड करती हैं और मुझसे पूछती हैं, मुझे बताती हैं। तो आज मानसी हमारे साथ बैठी हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे आप हमारे सभी टीम मेम्बर्स को देख पाएंगे कि हर सेशन में एक नए टीम मेम्बर्स हमारे साथ बैठ करके चर्चा करेंगे ऐसे। तो मानसी जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं बेटा और मैं इसके जवाब देता हूँ। हालांकि सारे क्वेश्चन मुझे पहले ही बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, और मुझे जवाब एक्चुअली ध्यान में है। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनका एक सैलून है, यूनिक सैलून, 8 साल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक भी स्टाफ नहीं है। 3 डेज हो गए हैं सैलून ओपन है, क्लाइंट है, लेकिन उनको सर्विस देने के लिए कोई नहीं है। मतलब कि उनका सैलून है और मतलब कि एक बिजनेस है जिसमें क्लाइंट्स तो हैं बट स्टाफ किसी ने वजह से नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब दिक्कत क्लाइंट्स को लेकर नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को लेकर बहुत सारे रेमेडीज सबको पता है। तो दिक्कत कभी कभी होती है, टीम मेम्बर्स की कमी हो जाती है, स्टाफ की कमी हो जाती है। जैसे कि हमारे पास, मैं ही एक इतना काम कर रहा हूँ तो हमारी संस्था में बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास हमेशा टीम मेंबर्स हो पाते हैं। तो उसके लिए एक स्विच वर्ड है, लिख लीजिए, ग्रैम्बिशन। ग्रैम्बिशन, 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 ये स्विच वर्ड आप कई जगह पर लिख के चिपका सकते हैं, अपने धंधे वाली जगह पर, या फिर आप अपने यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे, या सिर्फ इंचेंट करना। अब कितनी बार इंचेंट करना है स्विच वर्ड, जब जब आपको स्टाफ की कमी लग रही है, जब जब आपको स्टाफ चाहिए, जब जब आपको टीम मेंबर्स चाहिए, जब जब आपको किसी कारण से भी लगा कि यहाँ पे टीम मेंबर्स होना चाहिए, तो ये कमी का भाव जहाँ है वहाँ पे इस कमी के भाव से उसे रिप्लेस कर लीजिए। क्या? ग्रैम्बिशन, यही है ना? ठीक है। तो जब भी उसकी कमी का भाव आया उस समय ये ना सोचे कि कमी है, ये सोचे ग्रैम्बिशन, ग्रैम्बिशन, ग्रैम्बिशन। हीलिंग में 3 से 6 महीने क्यों जरूरी है? सभी 21, 7 या 30 दिन की हीलिंग कराते हैं। हीलर्स को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, कि जैसे कि मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने की हीलिंग, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए है, छोटे प्रॉब्लम्स के लिए नहीं। जैसे मुस्तक जब कोई हीलिंग पहुँचती है तो जनरली वो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कैंसर, कोई बहुत बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप, पुरानी कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं सुधर रही है। तो एक बड़े हीलर और एक छोटे हीलर में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उसने कितना लंबा अभ्यास किया है, कितने लंबे समय तक अभ्यास किया, कितने सिंबल्स पर कितना ज़्यादा अभ्यास किया। तो बड़ा हीलर छोटा हीलर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आम भाषा में जो बड़े हीलर छोटे हीलर बोलते हैं उसका सिर्फ इतना सही मतलब है कितना लंबा अभ्यास हुआ है। अभी ये है कि 7 दिन 21 दिन या फिर कितने दिन का बोले बेटा, 30 दिन की हीलिंग कराते हैं आपके क्लाइंट, तो उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उस पर आप देखते हुए 7 दिन 21 दिन या 30 दिन की ही हीलिंग कीजिए। उसके बाद भी अगर वो मांगते हैं, उन्हें लगता है, तो उतने की 3 महीने की हीलिंग कीजिए। मुस्तक जर्ली बड़े प्रॉब्लम्स पहुँचते हैं, तो बड़े प्रॉब्लम्स की हीलिंग वो समझ में आ जाता है बेटा कि कितना लंबे समय से प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब छोटे छोटे चीज़ों के लिए 7 दिन, कभी कभी तो 1 घंटा, सिर्फ एक हीलिंग से भी काम हो जाता है। चोट है, दर्द है, अभी आज ही लगा है, आज का ही दर्द है तो आज ही ठीक हो जाएगा,
लेकिन बहुत लंबा दर्द है, 7 दिन 21 दिन 30 दिन, कभी कभी 3 महीने और कभी कभी 6 महीने। मैंने एक बहुत पहले एक हीलिंग किया था, उसमें 1 साल पूरी हीलिंग की थी, कंटिन्यू 1 साल हीलिंग की थी। तो 1 साल के लिए आँखों का था उनका प्रॉब्लम, आँखों की नसें सूख रही थी, तो पूरे 365 दिन की हीलिंग हुई थी। तो कोई इसमें बात नहीं है, 3, 7, 21 या 30 दिन ही नहीं, कभी कभी एक ही हीलिंग ही काफ़ी होती है। थर्ड क्वेश्चन सर, अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी हीलिंग हो रही है? क्या उनको वाइब्रेशन फील होता है? कैसे पता चलेगा कि उन्हें उनकी हीलिंग हो रही है? ये सबसे जो तरीका एक होता है बेटा, कि हीलर और रिसीवर अगर एक ही समय पे जगह पे अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अगर दूरस्थ डिस्टेंस रह के हीलिंग कर रहे हैं या डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है पहली बार में उनको कोई वाइब्रेशन फील ना हो। और आपका अभ्यास अगर लंबा है, आपका अभ्यास अगर बहुत लंबे समय का है, तो उन्हें पहली बार में भी फील होगा। शरीर में कंपन, शरीर में झंझनाहट या गर्माहट या एक जकड़न या खिंचाव, ऐसे अनुभव उन्हें हो सकते हैं, या पूरे शरीर में ना होकर केवल आज्ञा चक्र में एक टिकलिंग सेंसेशन हो सकता है। तो ये कुछ होते हैं। एक अनुभव और मैंने जो सुना है कि जब लेटे थे हीलिंग के लिए, तब पता चल रहा था कि लेटे में पीठ में आपकी स्किन पे पता चलता है कि आपके शरीर का भार आपको पता चलता है, लेकिन हीलिंग के समय वो भार अचानक से ऐसा हो जाता है जैसे कि आप हवा में हो, आपका भार आपको पता चलना बंद हो जाता है। और जैसे हीलिंग सेशन कंप्लीट होता है, फिर से जैसे किसी ने आपको वापस रख दिया और फिर से आपको पता चल रहा है कि हाँ आप ज़मीन पे हो, आप टिके हुए हो। तो ये भी एक अनुभव होता है। तो ये हीलिंग के समय होने वाले कुछ अनुभव हैं जो रिसीवर को होते हैं। किसे होते हैं? रिसीवर को, जिनकी हीलिंग हो रही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मुझे एनर्जी फील होती थी, वो अचानक से होनी बंद हो गई है। मैंने 2-3 लोगों की हीलिंग करी, उस टाइम मैं गाड़ी में थी और उसके बाद से मुझे कुछ भी फील होना बंद हो गया। सर कई बार होता है कि अचानक आप बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे होते हैं, मेरे साथ आज भी होता है कि आप बहुत अच्छी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद से एनर्जी फील होना बंद हो जाता है, अचानक से एनर्जी आना बंद हो जाता है। जैसे कि इनके केस में ये हुआ कि उस टाइम वो ड्राइविंग एक व्हीकल में थी, ड्राइविंग नहीं करती, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, चलती गाड़ी में उन्होंने हीलिंग की थी। एक बार ऐसा ही एक और केस हुआ था कि ट्रेन में वो हीलिंग कर रहे थे और ट्रेन में हीलिंग करने के बाद उनका हीलिंग पावर आना बंद हो गया। तो वापस से फोड़ने के लिए, वापस से फूटे वो हीलिंग एनर्जी आपकी, तो चलती ट्रेन में उन्होंने ये किया था हीलिंग, तो उसके बाद से एनर्जी आनी बंद हो गई थी। तो ऐसे कई तरह की हो सकता है, जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अंदर अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो भी हो सकता है, आप किसी अनदर प्लेस पे जाके हीलिंग कर रहे हो तो भी हो सकता है। तो इससे डरना नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं और जाके चलती नहीं हीलिंग करना, नहीं, इनसे आप जूझो। वो हीलर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो बेटा, तो इन सब चीज़ों से आपको जूझना होगा, इन सब चीज़ों से टकराना होगा। एकदम अपने प्रोटेक्टेड जोन में ही अगर हीलिंग करने की प्रैक्टिस करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? इट्स ओके कि हीलिंग एनर्जी फील होनी बंद हो गई है, कुछ मत करो। सबसे पहला एक काम करो, हाथों को क्लीन रखना शुरू कर दो, फिंगर टिप्स को स्प्रिट या अल्कोहल से क्लीन कर लो, ठीक है? और अपने मणिपुर चक्र में ये वाली मुद्रा बना करके, मणिपुर चक्र के लिए बनाते हैं ये मुद्रा, मणिपुर चक्र मुद्रा ही बोलते हैं, मणिपुर मुद्रा ही कहते हैं इसे। देखो ये और ये, ठीक है, जुड़ गया। ये क्रॉस नहीं होगा, अंगूठा क्रॉस नहीं होगा, सारे नीच आपस में क्रॉस हुए, मणिपुर मुद्रा, और इसको ऐसे जोड़ेंगे और मणिपुर चक्र पे रखिए। 3 से 5 मिनट ध्यान लगाइए, ज़्यादा देर लगाने का मन है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है ना, अर्ध सिद्धासन, एक पैर को जैसे कि ये मैं रखता हूँ हमेशा, जब भी मैं बैठता हूँ तो अर्ध सिद्धासन में बैठता हूँ, तो अर्ध सिद्धासन या पूर्ण सिद्धासन भी लगा सकते हैं। अर्ध सिद्धासन में क्या होता है, आपके पैर की जो एड़ी होती है वो आपके बिल्कुल मूलाधार के नीचे रहती है,
बिल्कुल मूलाधार के नीचे, दूसरा पैर आप कैसे भी रख लो, नीचे रख लो ऊपर रख लो, पूर्ण सिद्धासन तो वैसे रखिए, और फिर आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे रुका हुआ जो हीलिंग एनर्जी है अचानक से कभी किसी कारण से रुक गया, अब नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है, तो वापस इसे चालू करने के लिए आप ये अभ्यास करें। 3 से 6 दिन में इस खुल जाता है, पहले दिन में ही खुल जाता है, लेकिन 3 से 6 दिन मान के चलिए। सर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं, कुछ दिन में रिजल्ट मिल जाता है और अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करें, तो क्या हीलिंग हमें और करनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, आपको हीलिंग और करनी चाहिए। क्या होता है यही वो ये ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। या अभी एक क्वेश्चन आया था ना जिसमें 7 दिन 21 दिन या 30 दिन कराने के लिए पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, और सर आप कहते 3 से 6 महीने की हीलिंग किया जाए। ये यही कारण है कि 3 महीने का कोर्स होता है किसी हीलिंग का, पुराने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पुरानी जो समस्याएं, उसके लिए 3 महीने का मिनिमम कोर्स होता है। और उतने समय की हीलिंग ना हो, और क्या होता है क्लाइंट कभी कभी बोलते हैं 7 दिन का कर दिया आपने, 21 दिन का उन्होंने कराए, उनको आराम मिल गया, सिम्टम्स ख़त्म हो गए और वो खुश। एक बात आप हमेशा समझ लीजिए कि हम डिजीज़ को हील करते हैं, हम बीमारी को हील करते हैं, ना कि सिम्टम को हील करते हैं। और आम तौर पे लोग जो हैं वो सिम्टम्स को बीमारी समझते हैं, जैसे बुखार, बुखार बीमारी नहीं है, बुखार सिम्टम है। अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसका सिम्टम दिख रहा है बुखार, और लोग पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार चला जाता है, खुश हो जाते हैं। गलत है ये, अंदर जो वायरस हुआ है उससे वो लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, आपके वाइट ब्लड सेल्स लड़ रहे हैं उससे, जिसकी वजह से शरीर गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और हम सोचते हैं बुखार कोई बीमारी है, तो बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो वो चीज़ अंदर होनी बंद हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बीमारी के लिए अगर इलाज करवा रहे हैं तो एक लिजिट समय, आप एक हीलर को समझ में आ जाता है कि इतना समय तो लगता है, इतना समय करना होगा, तो उतना समय की हीलिंग करनी ज़रूरी है। क्लाइंट ने उतने समय की हीलिंग नहीं कराई तो जो उनके सिम्टम्स वापस है, क्योंकि बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हुई है, और क्योंकि वो जड़ से ख़त्म नहीं हुई है तो सिम्टम्स वापस आएंगे, जो तकलीफ है उसका सिम्टम वापस आएगा, और वो सिम्टम वापस आए तो सीधी सी बात है वो हीलिंग आपको फिर से करनी होगी। और इस बार पेशेंट को, क्लाइंट को प्रॉपर समझाइए, भाई ये इतना समय के लिए लगता है तो इतने समय तक करना है, इतने समय तक कराना है, ठीक है। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक ना क्लाइंट को, आपके पेशेंट को कभी भी आप फ्री मत कीजिए। इट्स ओके कि आप समय के साथ इतने अच्छे हीलर हो चुके हैं कि पेशेंट अगर रिसीवर जो है रिसीविंग मोड पर नहीं भी है, अगर वो अपने आसन में ज़मीन पे पानी पी के नहीं भी लेटा है, तो भी आप ची बॉल बना करके छोड़ देंगे और हीलिंग हो जाएगी। आपके पास वो क्षमता है आ गई इतने समय के अभ्यास के बाद। मेरे पास उस इतने समय के अभ्यास के बाद मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं हीलिंग करता हूँ तो उनको प्रॉपर उस समय में कि बेटा तुम्हारा 5:30 बजे मॉर्निंग में हीलिंग है तो तुमको लेटना है पानी पी कर, मैं लेटाता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। तो बींग अ हीलर आपको अपने जो रिसीवर हैं उनको बांधे रखना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर उन्हें आप बांधे नहीं रखते हैं हीलिंग के समय पे, तो वो पता नहीं उस समय क्या कर रहे हैं, और उस वजह से अगर उनकी हीलिंग रिसीव नहीं हुई तो आपकी एनर्जी बेकार हो जाएगी ना। तो आपको अपनी एनर्जी बेकार नहीं करनी है, उनको हीलिंग वाले रिसीविंग मोड पे बना के रखना है, और ये आवश्यक है, ठीक है। तो बांधे रखना है, दैट मीन्स उस समय में, उस हीलिंग के टाइम पे बांधे रखना है, ओके जी, ठीक। सर हमारा अगला क्वेश्चन है, सर मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर डाइजेशन के इश्यूज हैं तो डाइजेशन हीलिंग साइंस में हम क्या कर सकते हैं? देखो पहले 2-3 चीज़ों को समझो। डाइजेशन का इश्यू है तो सबसे पहले ये जान लो कि आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है। मैं कहीं पर भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा कि
हीलिंग साइंस का ये तरीका करो और आपका डाइजेशन सुधर गया होगा, वैसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा आप चाहते हैं। लेकिन बेटा पहले आप अपने डाइजेशन के इश्यूज को समझिए। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, आधे घंटे में, एक घंटे में, डेढ़ घंटे में, दो घंटे में, जब जो चीज़ मिल गया आपने मुंह में डाल लिया, चबाया, गटक लिया, जब जो चीज़ दिया गया खाया, गटक लिया, ऐसे में डाइजेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। पहले अपनी बॉडी को रिसेट कीजिए। रिसेट करने के लिए पहले तो एक दिन का व्रत रखिए, एक दिन का पूरा 24 घंटे का उपवास रखिए, जिसमें आप केवल पानी पिएंगे या नारियल का पानी पी सकते हैं, कोई फलों का रस नहीं, कोई जूस नहीं, केवल नारियल का पानी पी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। 24 घंटे का पूरा उपवास रखिए, उसके बाद से रोज़ 12 घंटे का उपवास रखिए, मतलब 12 घंटे खाया और 12 घंटे नहीं खाया। मैं आज के समय में रोज़ 16 घंटे का व्रत करता हूँ और ये कई सालों से चला आ रहा है, कई सालों से चला आता है। मैं सिर्फ 8 घंटे में ही खाता हूँ जो भी खाना है, मतलब दिन में दो बार खाया, उसके बीच में 16 घंटे के बीच में कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई फल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई भगवान का प्रसाद नहीं, कोई भोग नहीं, कोई आरती नहीं, कुछ नहीं। भगवान का प्रसाद मिला है, स्वीकार कीजिए, रखिए और अपने उस 8 घंटे में खाने के लिए उसे रख लीजिए, पहला आहार इसे ही ले लीजिए पहले। ये मेरा रूटीन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह बहुत जल्दी उठ गया तो तेज़ भूख लग रही है या ज़्यादा ही लग रहा है, तो उस कंडीशन में नारियल का पानी लेते हैं। तो पहला आहार नारियल का पानी होता है। अगर ले भी रहे हैं तो नारियल का पानी ही आहार है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि नारियल का पानी लें। पूरा नींबू का रस ले सकते हैं बहुत ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो नींबू का रस भी नहीं लेंगे। तो एक बार नींबू का रस भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन आज से सबसे पहला शुरू करो कि एक दिन का पहला पूरी फास्टिंग करो, उसके बाद रोज़ 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, दिन में नहीं रात में फास्टिंग करनी है। जैसे रात को 8 बजे खाया तो सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। 12 घंटे की फास्टिंग का मतलब ये है, ये नहीं कि मैं दिन में फास्टिंग करने बोल रहा हूँ, रात में, रात के तो 6-7 घंटे तो आप वैसे भी सो रहे हो, तो 12 घंटे की फास्टिंग शुरू कर दो बेटा। और ये डाइजेशन की प्रॉब्लम वैसे भी इससे ही ख़त्म हो जाएगी, लाइफ टाइम इम्यून बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फिटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। स्विच वर्ड है, लिखिए रिबेका नील। प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है इसका, क्योंकि ये भारतीय शब्द नहीं है। रिबेका नील या रिबेका नील, अगर आप हिंदी भाषी लोग अगर इसे प्रोनाउंस करेंगे तो रिबेका नील पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना रिबेका नील नहीं है, रिबेका नील। ये है आपका स्विच वर्ड फॉर डाइजेशन। 13431 3, 6 ये है एंजल नंबर, ठीक है जी। इसे लिख लीजिए और लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखेंगे, हरे पेन से लिखेंगे, ये आपके काम आएगा। ओके जी। सर एंजल नंबर को किस टाइम पे लिखना है, और उसे एक बार लिखने के बाद दूसरी बार मिटा कर लिखना है या उसी पे लिखना है, उसी स्थान पे लिखना है या किसी और स्थान पे भी लिख सकते हैं? अच्छा सवाल है कि एंजल नंबर को कौन से समय पे लिखना है और कितनी बार लिख सकते हैं। पहली बात, किसी भी समय में लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी समय में मत लिखना। किसी भी समय में लिख सकते हैं पर किसी भी समय में मत लिखना। एक समय में लिखना और उसी समय में दोबारा लिखना। दूसरा सवाल हो ये हो सकता है, क्या मिटाकर लिखना है इंजन नंबर को? मत मिटाइए। यहाँ पर लिखा है, कल सुबह नहाया, साबुन लगा, वैसे भी धुंधला हो जाएगा, दूसरी जगह पर लिख लीजिए, ये वाला धुंधला होकर गायब हो जाएगा। आप साबुन लगा के नहीं बनाएंगे तो अभी 2-3 दिन में वो गायब हो जाएगा, क्योंकि डेड स्किन निकल रही है ना आपकी। कौन से रंग के पेन से लिखना है? ज़्यादातर नीले पेन से ही लिखे जाते हैं, किसी किसी को लाल, किसी किसी को हरा और किसी किसी को काले पेन से लिखते हैं। आपके बताने वाले जो आपके हीलर हैं, जैसे मैं आपको इंजन नंबर बताता हूँ, तो वो आपको बताएंगे कि कौन से रंग के पेन से लिखना है। और अगर वो नहीं बता रहे हैं, कोई भी रंग का पेन लिखने के लिए नहीं बोले, इसका साफ मतलब नीले रंग के पेन से आप लिखेंगे। तभी रंग नहीं बताते हैं जब नीले रंग के पेन से ही लिखना होता है, नहीं तो आपको रंग का बताया जाएगा, हमेशा हमेशा बताएंगे आपके हीलर, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें और ये बनता है कि वो समय कौन सा हो, नहाने के बाद का? सुबह नहाया, पूजा पाठ किया, भगवान को प्रणाम किया, सूर्य देवता को जल चढ़ाया, जो भी, नहाने के बाद का। मैं मानता हूँ जो भी हीलिंग साइंस को मानता है, जो भी हीलिंग साइंस को समझता है, जो भी हीलिंग साइंस से
ये ऑकल्ट साइंस से फ़ायदा उठाना चाहता है, वो नहाने के बाद परमात्मा को प्रणाम तो ज़रूर करता है, इतना तो सब में है। उसी समय ही आपको अपने इंजन नंबर को लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है। ज़्यादातर लेफ्ट बॉडी पार्ट में ही लिखते हैं, कभी कभी राइट बॉडी पार्ट में लिखते हैं, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में है। लेकिन इसके इस कारण इसका एक और लॉजिक ये भी है, अगर आप राइट हैंड साइडर ना हो करके लेफ्ट हैंड साइडर हो तो वो लोग राइट बॉडी पार्ट में लिखते हैं, लेकिन अगर उनके भी लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखा दिया जाए तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में ही है। बट लेफ्ट हैंड साइडर हैं आप तो राइट बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हैं उसी चीज़ को, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। 19 और 20 का ही फ़र्क है, लेफ्ट हैंड साइडर जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे तो 19 फ़ायदा होगा, राइट में लिखोगे तो 20 फ़ायदा होगा, इतना सा ही फ़र्क आएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो इंजन नंबर को लिखने के, इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बताया है, इंजन नंबर का प्रयोग कैसे करें उसे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सर आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, टीचरशिप अटूनमेंट और ग्रैंड मास्टर अटूनमेंट दोनों अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। थर्ड लेवल को मास्टर लेवल कहते हैं, उसे ही मास्टर लेवल को ही टीचरशिप माना गया है। मतलब इस गुड़िया ने जो सवाल पूछा है उसके हिसाब से जो टीचरशिप वो बोल रही हैं वो थर्ड लेवल को बोल रही है। मास्टर लेवल में आप मास्टर बन जाते हैं, मतलब टीचर बन जाते हैं, तो मास्टर के बाद और अगर आप आगे जाते हैं तो वो होता है ग्रैंड मास्टर, वो होता है ग्रैंड मास्टर। तो थर्ड लेवल में आप मास्टर बन चुके हैं, टीचरशिप हो चुका है, तो टीचरशिप का अटूनमेंट, फर्स्ट लेवल का अटूनमेंट अलग है, सेकंड लेवल का अलग है, टीचरशिप का अलग है और ग्रैंड मास्टर का अलग है। सबसे सिंपल जो है वो ग्रैंड मास्टर का है और सबसे कठिन जो है फर्स्ट लेवल का है। फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है उसमें, लेकिन पहली बार करने के कारण वो मुश्किल लगता है, और क्योंकि ग्रैंड मास्टर पहुँचते पहुँचते आप कई बार वो चीज़ कर चुके हैं इसलिए वो चीज़ें आपके लिए आसान महसूस होने लग जाती है। ग्रैंड मास्टर में 12 सिंबल होते हैं, 12 से 14 सिंबल होते हैं, और पहले लेवल में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं, लेकिन फिर भी पहला लेवल कठिन होता है क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं है। और कोई क्वेश्चन है जी? नहीं सर आज। तो आपके 8-10 सवालों के जवाब आज दिए गए, और आप बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा मिला है, कमेंट में देख के मैं समझ पाऊँगा, ताकि इस चीज़ को हम आगे करते जाएं और अपनी हीलिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे। आपके सवालों के जवाब मैं देता रहूँगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।